हे गाइस, दिस इज़ कुलदीप एंड यू वाचिंग यूपीएससी लाइव्री। सो आज के सिलेक्शन में हम बात करेंगे इंडिया नेपाल के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं। इसमें न्यू डेवलपमेंट हुई है कि मिस्टर केपी शर्मा ओली जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ फ़ोन में बात की और बाउंड्री वर्किंग ग्रुप का प्रपोज़ किया। इस इलेक्शन में हम देखेंगे बाउंड्री वर्किंग ग्रुप प्लस जो इंडिया नेपाल के रिलेशन में थोड़ा जानेंगे क्या है, देन जो अभी रिसेंट डिस्प्यूट चल रहा है वो भी देखेंगे, देन ट्रेड्स एंड देन ट्रेड्स के बारे में जो इंडिया नेपाल के बीच में बॉर्डर ट्रेड होते हैं और बाकी ओवरऑल ट्रेड। ये काठमांडू पोस्ट का आर्टिकल है। काठमांडू पोस्ट आर्टिकल के अकॉर्डिंग नेपाल एंड इंडिया लुक फॉर ए बाउंड्री मीटिंग, जिसको बाउंड्री वर्किंग ग्रुप के अकॉर्डिंग बोला, बाउंड्री वर्किंग ग्रुप के अकॉर्डिंग इसमें बात होगी। इसमें ये देखेंगे। यूपीएससी लाइब्रेरी को आप टेलीग्राम, फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम, इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। तीनों के लिंक्स इसमें वीडियो में दे रखे हैं, प्लस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं। इंडिया और नेपाल, इंडिया नेपाल के बारे में बात करने से पहले मैप में देख लेते हैं इंडिया नेपाल। वैसे तो सभी को पता होगा ये कि काफ़ी कॉमन सी चीज़ है कि नेपाल इंडिया की कहाँ है। नेपाल इंडिया के नॉर्थ में है, बाकी एकदम बाउंड्री के साथ लगा हुआ है। ये नेपाल इंडिया के यूपी जो स्टेट है उसके नॉर्थ में, प्लस बिहार, देन उत्तराखंड, देन बाकी के अदर स्टेट के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। दिस इज़ नेपाल, दिस इज इंडिया। नेपाल और इंडिया के बीच में काफ़ी स्पेशल रिलेशन है, बट कभी कुछ टाइम से चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर नेपाल ने इंडिया के साथ थोड़े अपने रिलेशन थोड़े डाउनग्रेड कर लिए। कुछ ऐसे कमेंट किए जो नहीं करने चाहिए थे। इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग वो मिस्टर केपी शर्मा ओली जो नेपाल के पीएम है, उन्होंने फ़ोन पर बात की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। उन्होंने जो डिस्प्यूट चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग, उसको माइंड में रख जो बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहे थे, उसको बोला कि काठमांडू इज लन टू है प्रपोज ए मीटिंग ऑफ द बाउंड्री वर्किंग ग्रुप। बाउंड्री वर्किंग ग्रुप को प्रपोज किया जो कि अगस्त और अर्ली सेप्टेम्बर में हो सकते हैं। इस चीज़ का केपी शर्मा ओली ने प्रपोज किया। बाउंड्री वर्किंग ग्रुप, आखिर ये बाउंड्री वर्किंग ग्रुप होता क्या? BWG बाउंड्री वर्किंग ग्रुप, जिसको एक ज्वाइंट एजेंसी जिसको बोलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था दोनों देशों की गवर्नमेंट, इंडिया और नेपाल, 2014 में। ऐसे इससे पहले भी ऑलरेडी बाउंड्री वर्किंग ग्रुप थी जो 1980s में भी इसका गठन किया गया था। इसका मेन उद्देश्य टू कैरी आउट वर्क इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, रिस्टोरेशन एंड रिपेयर ऑफ बाउंड्री पिलर्स, इंक्लूडिंग क्लीयरेंस ऑफ नो मैंस लैंड। जो इंडिया नेपाल के बॉर्डर में वहाँ के जो सिटीजन बिना किसी रोक टोक के दोनों बॉर्डर को क्रॉस करके नेपाल और इंडिया में आ सकते हैं। इस चीज़ को ये बाउंड्री वर्किंग ग्रुप एनालाइज करता है। बाकी जो कंस्ट्रक्शन चलता है, देन रिस्टोरेशन, देन रिपेयर ऑफ बाउंड्री पिलर चलते हैं, वो इसमें बाउंड्री वर्किंग ग्रुप में एनालाइज किए जाते हैं। द ग्रुप सो फार हेल्प फॉर 6 मीटिंग, जो अब तक 6 मीटिंग उसने, जो लास्ट मीटिंग जब भी हुई थी जो अगस्त 2019 में हुई थी, जो कि देहरादून में हुई थी। बाउंड्री वर्किंग ग्रुप जो कि इज डिफरेंट फ्रॉम द फॉरेन सेक्रेटरी, एक फॉरेन सेक्रेटरी होता है वो भी बाउंड्री डिस्प्यूट पर वर्क करता है, बट जो वो ये थोड़ा फॉरेन सेक्रेटरी थोड़ा डिफरेंट, बिकॉज फॉरेन सेक्रेटरी मीटिंग इज बींग सॉट टू डिस्कस द कालापानी बॉर्डर डिस्प्यूट। जो कालापानी बॉर्डर डिस्प्यूट है वो इन चीज़ों को फॉरेन सेक्रेटरी के द्वारा देखा जाता है, बट इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म टू रिव्यू द बाउंड्री वर्क। लेकिन जो बाउंड्री पर जो वर्क होते हैं वो बाउंड्री वर्किंग ग्रुप के द्वारा देखा जाता है। इंडिया नेपाल के बारे में बात चले तो नेपाल के वहाँ जान लेते हैं। नेपाल का जो ऑफिशियली नाम है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। नेपाल को ऑफिशियली फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल बोलते हैं, जो कि एक साउथ एशिया की एक कंट्री है, मेनली इन द हिमालय, जो हिमालय में है, और इसमें हिमालय जो माउंट एवरेस्ट जो आता है वो नेपाल में ही आता है, बट कभी कभार चाइना अब अपनी तरफ दिखाने लगा है। नेपाल, इसकी कैपिटल काठमांडू है, देन इसके प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, इसकी पॉपुलेशन लगभग 2.8 करोड़ 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग, करेंसी इसकी नेपाली रुपीज़ है, प्रेसिडेंट इसकी बिंदिया देवी भंडारी है, देन इसकी GDP लगभग 29.81 लगभग 30 बिलियन डॉलर है, जो ठीक ठाक है अपने इस पॉपुलेशन और साइज के हिसाब से, देन GDP ग्रोथ 17-18 की 6.7, बट 18-19 की 7, देन
19, 20 और 21 के देखेंगे तो 1.8 प्लस एंड 2.1 जो कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से सभी कंट्रीज की जीडीपी ग्रोथ में वो कमी आई है। सो नेपाल भी उस चीज से नहीं बच सका। देन जीडीपी पर कैपिटा 1,048,000 डॉलर पर कैपिटा है। देन जीडीपी बाय सेक्टर मोस्टली इसकी नेपाल की जीडीपी में एग्रीकल्चर का बड़ा रोल होता है जो कि 27% है, इंडस्ट्री 13.5%, लेकिन सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा रोल 59.5% जो कि नेपाल की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, जो कि सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर है। सो इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर ट्रेड होता है तो उसमें नेपाल ने उस लिस्ट में टॉप किया। सो बाकी उसमें अदर बाकी कंट्री में लाइक बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, सो उस लिस्ट में नेपाल ने इंडिया के साथ जो बॉर्डर ट्रेड होता है बॉर्डर टू बॉर्डर ट्रेड होता है, जो मार्केट लगती हैं, जो पैड लगते हैं, उसमें नेपाल ने टॉप किया है। सो उसके अकॉर्डिंग जो नेपाल और इंडिया में जो बॉर्डर नेपाल में ट्रेड होता है एज़ पर द लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा जो पार्लियामेंट में दिया गया था, जो नेपाल का फाइनेंशियल 2017-18 के अकॉर्डिंग जो स्टैंड करता है $6.8 बिलियन जो इंडिया नेपाल के बीच में जो ट्रेड, बट हाईली इसको इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है, इंडिया को, बिकॉज ये चीज़ें इंडिया के फेवर में जाती है, बिकॉज जो वो हम जो इंडिया की तरफ जो एक्सपोर्ट होता है गुड्स का वो $6.38 बिलियन का होता है, और जो इम्पोर्ट जो हम करते हैं नेपाल से वो 437 मिलियन मतलब $437 मिलियन का हम इम्पोर्ट करते हैं और बाकी का हम एक्सपोर्ट करते हैं। सो इस चीज़ में इंडिया को काफ़ी बेनिफिट होता है। बट रिसेंट टाइम से काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया नेपाल के बीच में चल रही थी जो ठीक नहीं है, बिकॉज नेपाल चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें कर रखा था जो इंडिया के फेवर में नहीं थी, जो ऐसा डिस्प्यूट था जो इंडिया और नेपाल के बीच में काफ़ी सालों से चल रहा था, लेकिन अब जाकर उस डिस्प्यूट को थोड़ा और जोर दिया। सो रिसेंट टेंशन में अभी जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था जो इंडिया और नेपाल के बीच में वो आया था नवंबर 2019 के टाइम में, व्हेन इंडिया पब्लिश इट्स न्यू मैप। ये डिस्प्यूट और ज़्यादा उसको लाइमलाइट में जब इंडिया ने उसको जो अपने जो जम्मू और कश्मीर का जब बाइफर्केशन किया, जब उसको स्टेट से यूनियन टेरिटरीज किया, तो जम्मू कश्मीर यूटीज और देन लद्दाख को जब किया तो उसने इंडिया ने अपना नया मैप निकाला। सो उस नया मैप के अकॉर्डिंग सो द मैप शोड द कालापानी एज पार्ट ऑफ द उत्तराखंड स्टेट। जो इस नए मैप के अकॉर्डिंग जो कालापानी का जो पार्ट था वो उत्तराखंड के स्टेट में दिखाया। सो इस मैप के अकॉर्डिंग जो यही एक ट्रिगर पॉइंट था इंडिया नेपाल के बीच में, तो सो इस ट्रिगर पॉइंट के अकॉर्डिंग इस ट्रिगर पॉइंट में इंडिया ऑग्रेशन ऑफ न्यू रोड। सो जो एक न्यू इसमें जो उत्तराखंड के उसी कालापानी रीजन में एक धारचूला से लेकर लीपुले तक एक न्यू रोड कंस्ट्रक्ट की गई थी। सो जो कि मानसरोवर यात्रा की रूट में जो उसमें आ रही थी, जो पहले बिकॉज मानसरोवर यात्रा पहले जाती थी कैलाश पर्वत दूसरी साइड से सिक्किम की तरफ से, लेकिन अब यहाँ से जाएगी तो थोड़ा डिस्टेंस कम होगी। सो इस रूट से बचाने के लिए लॉन्ग रूट से बचने के लिए धारचूला से लेकर लीपू लेक तक एक सड़क कंस्ट्रक्ट की गई थी मई 2020 तक। सो इसमें इसका अनाउंस भी कर दिया। सो ये एक और पॉइंट था इंडिया नेपाल के बीच में टेंशन क्रिएट होने का था। सो दिस इज प्रोवोक द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल विच केम आउट द विद द न्यू मैप ऑफ नेपाल। सो इस चीज़ में फिर नेपाल ने भी अपना न्यू मैप क्रिएट रिलीज़ किया। सो इस मैप के अकॉर्डिंग नेपाल ने काला पानी देन रिपुले देन लिम्फ्यूधारा रीजन को अपने टेरिटरी का पार्ट बताया। सो आप इस मैप को देखिए, ये नेपाल का पुराना मैप है। सो इस मैप में ये देखिए, सो यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पर ये कुछ नहीं है, लेकिन जब नेपाल ये काला पानी रीजन था जो अभी इंडिया के पास में था, लेकिन नेपाल ने फिर अपना नया मैप निकाला। सो नए मैप के अकॉर्डिंग ये जो काला पानी वाला जो ये रीजन है ये इसने अपने मैप में दिखाया है। सो ये इसी बात पर इसी लैंड पर इसका डिस्प्यूट इंडिया और नेपाल के बीच में चल रहा है। सो जो न्यू मैप रिलीज करने के बाद जो इसके बाद नेपाल ने इसमें एक और चीज़ की, जो अपने जो डिस्प्यूट्स को और लेजिटिमाइज करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल वाज पास्ड बाय द नेपाल्स पार्लियामेंट टू लेजिटिमाइज द अल्ट्रेशन। जो बॉर्डर में जो अपना जो काला पानी वाला जो डिस्प्यूट था उसको और लेजिटिमाइज करने के लिए अपने पार्लियामेंट में ऐसे एक बिल पास कर दिया। सो आफ्टर दिस मूव इट लेड टू ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंट्रीज। सो इस मूव से दोनों कंट्रीज के बीच में जो कम्युनिकेशन थी थोड़ा और डाउनग्रेड हो गया, बिकॉज नेपाल चाइना के इन्फ्लुएंस में आता जाता है। जो चाइना का एक बहुत बड़ा रोल है नेपाल के बीच, नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स में, अब फॉरेन पॉलिटिक्स में और इंटरनल पॉलिटिक्स में, बिकॉज इस मूव के बाद इंडिया
इंडिया सिचुएशन को सिर्फ जस्ट ऑब्जर्व ही कर रहा, बिकॉज अभी तक नेपाल के अगेंस्ट में इंडिया की गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया था, बिकॉज इंडिया जानता था कि नेपाल इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है और इट एक्ट लाइक अ बफर स्टेट। जो मॉडर्न हिस्ट्री में जब हमने पढ़ा होगा, जो मॉडर्न में जब पढ़ते हैं तो ब्रिटिशर कैसे बफर स्टेट का यूज़ करते थे एक्सटर्नल पावर को टैकल करने के, सेम इंडिया भी नेपाल को एज ए बफर स्टेट देखता है चाइना को, चाइना से टैकल करने के लिए। सो अभी जो नेपाल के पीएम जो केपी ओली हैं, सो अभी चाइना के उसमें आए हैं, बिकॉज अभी जो चाइना की जो एम्बेसडर है टू नेपाल, उन्होंने केपी शर्मा की गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने में काफ़ी हेल्प की, जो अभी कुछ एक दो महीने पहले नेपाल में काफ़ी इंटरनल पॉलिटिक्स काफ़ी उथल पुथल हो रही थी। सो इस चीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए जो चाइना की एम्बेसडर है टू नेपाल, उन्होंने चाइना की गवर्नमेंट को, सॉरी नेपाल की गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। सो इसी वजह से अभी नेपाल जो भी कमेंट कर रहा है वो इंडिया के अगेंस्ट कर रहा है, और वो भी सिर्फ चाइना के कहने पर या इन्फ्लुएंस में आने से। सो इस वजह से इंडिया नेपाल के बीच में ये इंडिया और नेपाल के बीच में ये डिस्प्यूट क्रिएट हो रहे हैं। बट इस चीज़ में इंडिया का भी थोड़ा रोल है, बिकॉज सैडली इंडिया और नेपाल के बीच में जो इशू चल रहे थे वो इस इशूज़ को इंडिया डिले कर रहा था, और जो अगर नेपाल कुछ बोल भी रहा था तो इंडिया रेस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा था। इसी वजह से, बिकॉज रिसेंटली भी कुछ हुआ था, बिकॉज रिसेंटली व्हेन टेंशन प्रिवेल्ड इन द काठमांडू, द मिनिस्टर जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने बोला था कि इट वुड बी कमिंग द मीटिंग, जो मीटिंग होगी आफ्टर द पैंडमिक हैड बीन डील्ड, सो जो भी मीटिंग होगी इस टॉपिक पर वो पैंडमिक के बाद होगी। इसी वजह से लास्ट ईयर जो केपी ओली जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के, उन्होंने बोला कि जो काला पानी के जो इशू को रेज भी किया और फिर एक पॉलिटिकल इन्वॉल्व जो, इसी चीज़ के लिए नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने काला पानी के इशू को रेज भी किया और पॉलिटिकल इन्वॉय न्यू दिल्ली में सेंड किया, बट इस ऑफर को जो है हमारी न्यू दिल्ली में उसको रिफ्यूज कर दिया इंडिया ने। ऐसे काफ़ी सारे इग्नोरेंस इंडिया ने किया नेपाल को। इसी वजह से नेपाल ने ऐसे स्टेप लिए, प्लस इंडिया जो चाइना के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, बिकॉज काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, रेल लिंक्स प्रोजेक्ट बना रहा जो इन चाइना को नेपाल से कनेक्ट करने के लिए। इस वजह से भी वो थोड़े हुए हैं, और बिकॉज एंड एक और रीज़न ये भी है कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली पर कुछ करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, आरोप लगे हैं, मे बी इस वजह से भी हो सकता है। देन वे फॉर्मर क्या सकते हैं, इसमें हमने कहें कि गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइज विद नेपाल, जो नेपाल के साथ जो टाइज हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जाए, इंडिया मस्ट नॉट डिले डीलिंग विद द मैटर, जो भी मैटर चल रहा है, जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं नेपाल में इंडिया के, जो भी इन्वेस्टमेंट हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं या डैम के प्रोजेक्ट, उनको टाइम पर उन प्रोजेक्ट्स को ख़त्म करें, उनको चीज़ को डिले ना करें, और नेपाल को थोड़ा इम्पोर्टेंस दें। इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिले, और जो इंडिया में जो रह रहे 6 से 8 मिलियन नेपाली सिटीजन, जो काफ़ी सारे नेपाली सिटीजन हैं जो इंडिया में रह रहे हैं, जी या उनकी जो इंडिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं या इंडिया की जो गवर्नमेंट जॉब है जो ऑफिसर लेवल की, उनमें नेपाल के सिटीजन काम कर रहे हैं। इन सब नेपाली सिटीजन जो कभी अच्छे से तरीके से और फ्रेंडली वे में जो रह रहे हैं, इस भागीदारी के बारे में इंडिया को नेपाल की लीडरशिप के बारे में बताना चाहिए, बिकॉज नेपाल की लीडरशिप और इंडिया नेपाल के बीच में जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है उस चीज़ को बारे में नेपाल को बताना चाहिए। इंडिया एंड नेपाल को अपने सारे डिस्प्यूट जल्द से जल्द रिजॉल्व करने चाहिए। जो भी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है एज वेल एज फेस ऑफ विद चाइना के साथ जो चल रहा है, जो लद्दाख और सिक्किम में, इंडिया मस्ट डू ऑल द पोर्ट ऑफ टेंशन विद नेपाल। जो चल रहा है चाइना के साथ चल रहा है। इंडिया को नेपाल के साथ जितने भी डिस्प्यूट उनको थोड़ा ख़त्म करना चाहिए, जल्दी रिजॉल्व करना चाहिए, और ये इंडिया को इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी चाहिए नेपाल में। इंडिया एंड नेपाल को अपने सारे डिस्प्यूट जल्द से जल्द रिजॉल्व करने चाहिए और इंडिया को इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी चाहिए, ताकि नेपाल में चाइना का रोल कम हो सके। अदरवाइज इंडिया शुड रेडी नॉट टू टू फ्रंट वॉर बट रेडी फॉर 3 फ्रंट 4, अगर सब ठीक रहा तो। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने यूपीएससी लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूपीएससी लाइब्रेरी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।